इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के कॉल हिस्ट्री को कैसे डिलीट कर सकते हो। अगर आप इस काम को इंस्टाग्राम के चैट में जाकर करने की कोशिश करते हो तो ये आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कहीं कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको सिर्फ कॉल बैक का ऑप्शन आएगा, कहीं डिलीट करने का ऑप्शन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में आपको दो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसका यूज करके आप अपने इंस्टाग्राम की कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर पाओगे। दोनों तरीकों पे आने से पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉल हिस्ट्री आए ही नहीं तो आप वैनिश मोड का यूज कर सकते हो। अगर आप वैनिश मोड में जाकर किसी बंदे को कॉल करते हो तो वो कॉल हिस्ट्री अपने आप डिलीट हो जाएगी। वैनिश मोड में जाने के लिए आपको सिंपली वो वाला चैट पे क्लिक करना होगा और उसे नीचे से स्क्रॉल करना होगा तो आप वैनिश मोड में चले जाओगे, कुछ ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको सिंपली उस बंदे को कॉल करना है यहाँ क्लिक करने के बाद, और कॉल करने के बाद मैं इसे कट कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ कॉल हिस्ट्री शो करने लगी है। जब आपकी बातें कंप्लीट हो जाए तो आपको इसे टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के लिए सिंपली आपको उसी तरीके के ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करना होगा और ये वापस से नॉर्मल मोड में आपका आ जाएगा। अब आपकी कॉल हिस्ट्री डिसअपीयरिंग मैसेज के फॉर्म में आएगी, आपको सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बट ये डिसअपीयरिंग मोड में है तो जैसे ही ये बंदा इसे देख लेगा तो ये अपने आप डिलीट हो जाने वाली है। अब चलते हैं अपने मेन तरीके पे कि अगर आपने वैनिश मोड का यूज नहीं किया है और आपकी कॉल हिस्ट्री बनकर रेडी हो गई है तो आप इसे कैसे डिलीट कर सकते हो। तो इसे डिलीट करने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप इसे चैट को बैक कर लो और बैक करने के बाद उस चैट को ही डिलीट कर दो। सिंपली उस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पर डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये पूरी की पूरी चैट डिलीट हो जाएगी, तो उसके साथ ही आपकी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट हो जाने वाली है। बट अगर आप इंस्टाग्राम का रिसेंट वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ से तो आप डिलीट कर दोगे, बट आपको यहाँ एक कॉल्स का एक अलग से सेक्शन देखने को मिलता है और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे वो वाली रिसेंट हिस्ट्री कॉल हिस्ट्री आपको देखने को वापस से मिल जाएगी। सो अगर आप यहाँ से भी अपनी कॉल हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हो तो आपको सिंपली उस पर टैप करना होगा और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली डिलीट वाले बटन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो वो वाली कॉल हिस्ट्री हमारी यहाँ से डिलीट हो गई है। अब कहीं भी आपको कॉल हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कॉल हिस्ट्री को अवॉइड करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप ये कॉल वाला सेक्शन को ही हटा दो। इसे हटाने के लिए आपको सिंपली बैक करना है और बैक करने के बाद अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे सिंपली क्लिक करना होगा आपको और उसके लिए तीन लाइन्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आने के बाद आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक अकाउंट का सेक्शन आ रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना है। जैसे ही आप सिंपली इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको वापस से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको खुद को डिस्क्राइब करना है तो मैंने यहाँ वीडियो क्रिएटर पे टिक कर रखा है, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपकी जो अकाउंट होगी वो प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। उसके जैसे ही आप वापस से मैसेज सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइमरी जनरल का। बट आप देख पा रहे हो यहाँ कॉल वाली ऑप्शन वापस से ही है, इसका मतलब है कि दूसरा वाला मेथड हमारा बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है। तो आप पहले वाले मेथड का यूज कर सकते हो कॉल हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए या फिर वैनिश मेथड का यूज कर सकते हो कॉल हिस्ट्री को अवॉइड करने के लिए। होप सो कि वीडियो को काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके दिमाग में चल रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो रास्ते में आपको एक सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।